Hello guys, good morning all of you. This is Anish. Today I'm going to teach you a spoken English. Okay. हमारा ब्लॉक नंबर वन में वी हैव स्टडी ब्लॉक नंबर वन 21 या 22 स्ट्रक्चर्स अबाउट. ओके नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर नंबर 22. ओके 22. This is for present. For present. Okay. इसका structure क्या होता है बाबू? Rule. Subject plus seem. 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 या appear. Seem या appear. ओके प्लस टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव. ओके बाबू आई होप यू आर गेटिंग. देखिए सब्जेक्ट प्लस सीम ऑब्लिक अपीयर ये दोनों सीम मतलब क्या होते हैं प्रतीत लगता है ठीक है ना यानी कि सीम ये क्या होता है इसका मतलब लगना या प्रतीत होना सीम या अपीयर का बीच होता है ठीक है क्लियर. ओके जैसे मैं बोलता हूं कि लगता है कि वह छात्र है लगता है कि वह एक छात्र है लगता है कि वह एक नर्स है ठीक है प्रतीत होता है कि श्याम एक टीचर है. ओके देखिए लॉजिक क्या है सीम इसी स्ट्रक्चर पर उबलेगा ठीक है जैसे लगता है आया या प्रतीत होता है ये दोनों सेंटेंस ठीक है ये लगता है या प्रतीत होता है दोनों आप बोल सकते हैं दोनों में कोई भी बोल सकते हैं कि राम एक शिक्षक है राम एक शिक्षक है. देखिए इसमें लॉजिक क्या है लगता है या प्रतीत होता है कि राम एक शिक्षक है ठीक है. चलिए ये राम हो गया थर्ड पर्सन हो गया तो अपने साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया तो अपने साथ में भर्ती क्या लेगा सिंगुलर लेगा. ओके क्लियर यानी कि राम हो जाएगा राम. अब सीम लिखिए नहीं तो अपीयर लिखिए ठीक है तो सीम अगर आप जब लिखते हैं यहां पर देखिए बाबू सीम ठीक है क्योंकि थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर राम. ओके ये क्या हो गया बाबू ये सिंगुलर हो गया जी सिंगुलर. ओके क्लियर आया अपीयर लिखिए अपीयर. ओके तो सिंगुलर हो गया तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर लेगा. इतना तो आप लोग को बार बार पढ़ाते हैं जी ठीक है ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है राम. ओके तो इसलिए क्या होगा इसमें एस लग जाएगा यानी कि राम सीम्स या अपीयर्स में क्या लग जाएगा एस लग जाएगा अपीयर्स. क्या भाई एक शिक्षक है टू बी यानी कि टू बी टीचर राम सीम्स या अपीयर्स ये भी बोल सकते हैं ठीक है ना राम सीम्स टू बी अ टीचर. ओके जैसे
शॉर्ट सेंटेंस बनाया जाए। लगता है कि सीता नर्स, लगता है कि सीता नर्स है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? सीता, सीता सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि सीता सीम्स टू बी अ नर्स, ओके। लगता है कि वे लोग नौकर हैं, लगता है कि वे लोग नौकर हैं। दे सीम, क्योंकि दे, देखिए जो दे हुआ वो क्या हो गया, प्लुरल हो गया, तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, यहाँ पर सिंगुलर नहीं बल्कि प्लुरल हो जाएगा, ओके। यानी कि दे सीम क्या हो जाएगा, देखिए एक और एग्जांपल बता रहा हूं। दे सीम, दे आप यहां पर सीम्स नहीं होगा, सीम हो जाएगा, सीम या अपीयर। क्या भाई? वे लोग नौकर है, टू बी सर्वेंट्स, क्योंकि वे लोग एक नौकर नहीं होंगे, नौकर बहुत सारा हो जाएंगे, ठीक है ना, ओके। यानी कि दे सीम या अपीयर टू बी सर्वेंट्स, ओके। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। एनी प्रॉब्लम बाबू? नहीं, लिखो जी। लिखिए, हो गया। चलिए, अगर अगर आप अगर इसको अगर अगर आपने अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डू ऑब्लिक डच, डू ऑब्लिक डच प्लस नॉट, डू ऑब्लिक डच प्लस नॉट प्लस सीम या अपीयर प्लस टू बी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहां पर, लगता या प्रतीत होता है कि राम शिक्षक नहीं है, कि राम शिक्षक नहीं है, ओके। यानी कि राम, राम राम के, राम क्या हो गया बाबू, राम हो गया सिंगुलर नंबर, ठीक है, ओके। तो अपने साथ में भर भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम डजनट, राम डजेंट। अब यहां पर सीम्स नहीं होगा क्योंकि यहां पर डज लग गया है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीम हो जाएगा, और यहां पर भी क्या होगा, अपीयर होगा। यानी कि राम डजेंट सीम या अपीयर टू बी अ टीचर, लगता है कि राम शिक्षक नहीं है, ठीक है, लगता है कि वे लोग नौकर नहीं है। अब यहाँ पर जो दे है, अब यहाँ पर दे क्या लेगा, दे क्योंकि प्लुरल है तो अपने साथ में भर भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा, लेगा, ठीक है ना। दे डोंट सीम या अपीयर टू बी सर्वेंट्स, लगता है कि वे लोग नौकर नहीं है, लगता है या प्रतीत होता है कि वे लोग नौकर नहीं है, ओके, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। इसको मैं मिटाता हूं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, सीम्ड या अपीयर्ड, सीम्ड या अपीयर्ड प्लस टू हैव बीन, टू हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव, ओके। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। ये क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर पास्ट, ओके। यानी कि यहां पर जो लगता है, यहां पर क्या हो जाएगा, लगता था या प्रतीत होता था कि राम एक शिक्षक
थे, लगता था या लगता था या प्रतीत होता था कि राम एक शिक्षक यहाँ पर लगता था हो जाएगा जी, यहाँ पर ऐसे लिखिए लगते थे या प्रतीत होते थे कि राम एक शिक्षक थे, लगते थे या प्रतीत होते थे कि राम एक शिक्षक थे। देखिए अब यहाँ पर लगते थे या प्रतीत होते थे, यहाँ पर क्या हो गया शिम्ड हो गया, यानी कि भी टू, ये क्या हो गया है भी टू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट का पहला का सेंस दे रहा है, ठीक है ना, ओके। यानी कि राम शिम्ड या अपीयर्ड, राम शिम्ड या अपीयर्ड टू हैव बीन अ टीचर, ओके। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। लगता था या लगते थे कि राम एक शिक्षक थे, ठीक है ना, ओके। यानी कि राम शिम्ड या अपीयर्ड टू हैव बीन अ टीचर, ओके। इसको फिर एक बना लीजिए सेंटेंसेस, जैसे यहां पर लगता था या प्रतीत होता था कि सीता एक नर्स थी, सीता एक नर्स थी, यानी कि सीता शिम्ड या अपीयर्ड टू हैव बीन अ नर्स, ओके बाबू, हो गया जी, समझ में आ रहा है। अब एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, लगता था कि वह छात्र था, यानी कि ही शिम्ड टू हैव बीन अ स्टूडेंट, लगता था कि श्याम वकील था, श्याम अपीयर्ड या सीम्ड टू हैव बीन अ लॉयर। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। लगता था या प्रतीत होता था कि वे लोग नौकर थे, ठीक है, दे सीम्ड टू हैव बीन सर्वेंट्स, दे सीम्ड टू हैव बीन सर्वेंट्स, देखिए क्या हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल आप लोग जितना चाहिए उतना बनाइए, दे सीम्ड टू हैव बीन सर्वेंट्स, टू हैव बीन सर्वेंट्स, ओके। हजार एग्जाम्पल बनाइए, यू स्पीक अ लॉट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, ओके। लिखो बाबू, हो गया, चल ये स्ट्रक्चर नंबर 23 था, स्ट्रक्चर नंबर 23, ओके। अब स्ट्रक्चर नंबर दूसरा होगा मेरा टेस्ट, जितना हो सके उतना आप लोग बना करके प्रैक्टिस करते रहिए इस पर, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को बोलने नहीं आएगा। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ओके। सब्जेक्ट प्लस वुड
प्लस पी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। ओके देखिए बाबू, वुड यहां पर क्या हो जाएगा सेंटेंस सच है, वह नेता बनेगा, वह नेता बनेगा, वह नेता बनेगा। ओके दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये है वह नेता बनेगा या वह नेता होता, वह नेता होता। ठीक है तो वह क्या क्या हो जाएगा, ही वुड, ही वुड बनेगा या होना, यानी कि होता यानी कि होना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बी, ही वुड बी क्या भाई नेता, अ लीडर, ही वुड बी अ लीडर। राम शिक्षक बनेगा या राम शिक्षक होता, राम वुड बी अ टीचर। सीता नर्स बनेगी या सीता नर्स होती, सीता वुड बी अ नर्स। ओके वह छात्र बनेगा या वह छात्र होता, ही वुड बी अ स्टूडेंट। वे लोग नौकर बनेंगे या वे लोग नौकर होंगे, दे वुड बी सर्वेंट्स। ओके सीता कंजूस बनेगी या सीता कंजूस होती, सीता वुड बी माइजर, सीता वुड बी अ माइजर। ओके आई होप यू आर गेटिंग गाइस, जितना मन करे उतना बना ये सेंटेंस है, ये पूरा जितना देखते हैं अपने आसपास जो नाउन जोड़ करके एडजेक्टिव जोड़ करके आप स्पीक बोलते रहिए। ओके लिखो बाबू, हो गया जी, लिखो बाबू। चलिए दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए था, दिस इज फॉर पास्ट, और पास्ट में हो पास्ट। ये स्ट्रक्चर नंबर कितना था, 24 था। ठीक है ना, आप 25 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है 25 दिस इज फॉर पास्ट। ओके अब पास्ट में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड यहां पर क्या हो जाएगा हैव बीन, वुड हैव बीन प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ओके अब इसमें कैसे हो जाएगा हिंदी, वह नेता बन गया होता, वह नेता बन गया होता या वह नेता रह गया होता, वह नेता बन गया होता। ओके ही वुड बी, ही वुड बी, ही वुड सॉरी ही वुड हैव बीन, क्योंकि हैव है ना यहां पर ना, हैव बीन अ लीडर, ही वुड हैव बीन अ लीडर। ओके सीता अकेले रह गई होती, सीता अकेली रह गई होती, रह गई होती, सीता वुड क्या हैव बीन, सीता वुड
हैप्पी क्या अकेली अलोन चीता वुड हैप्पी अलोन वह नर्स बन गई होती सी वुड हैप्पी अ नर्स राम अकेले रह गया होता राम वुड हैप्पी अलोन ओके श्याम लॉयर बन गया होता श्याम वुड हैप्पी अ लॉयर वे लोग अकेले रह गए होते या वे लोग नौकर बन गए होते दे वुड हैव बीन सर्वेंट्स दे वुड हैव बीन अलोन समझे वे लोग वहां होते ठीक है वे लोग वहां होते इसका क्या होगा इंग्लिश दे वुड हैव बीन देयर वे लोग वहां होते they would have been there okay I hope you are getting guys this is for past ke liye hai ye theek hai hote nahi hote kaam khatam hai pehle hi past ban gaya hota rah gayi hoti samjhe sense nikaliye sentence ka tab samajh mein zyada aayega okay chaliye स्ट्रक्चर नंबर 26 दिस इज फॉर पास्ट ओके ये भी पास्ट के लिए होगा ओके सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू बी यूज्ड टू बी नाउन प्रोनाउन सॉरी नाउन एडजेक्टिव ओके वह नेता हुआ करता था वह नेता हुआ वह नेता हुआ करता था क्या भी करता था जी तो नेता हुआ करता था कब अभी नहीं पांच में ही करता था अब नहीं है ठीक है यानी कि अब यहां पर क्या हो जाएगा ही यूज्ड हुआ करता था ही यूज टू बी क्या भाई लीडर अ लीडर ही यूज्ड टू बी लीडर यानी कि सीता अकेली हुआ करती थी अब यहां पर क्या हो जाएगा सीता अकेली हुआ करती थी सीता अकेली हुआ करती थी ठीक है ना यहां पर क्या हो जाएगा सीता यूज्ड टू बी अलोन सीता यूज्ड टू बी अलोन वह छात्र हुआ करता था अब नहीं है जैसे मैं छात्र हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं अभी मैं टीचर हूं मैं छात्र हुआ करते थे आई यूज टू बी अ स्टूडेंट राइट नाउ आई एम अ टीचर ठीक है ओके सीता नर्स हुआ करती थी सीता यूज टू बी अ नर्स श्याम वकील हुआ करता था श्याम यूज टू बी अ लॉयर राम जज हुआ करता था राम यूज टू बी अ जज ओके You speak a lot according to this structure. That's why I'm teaching you. I'm teaching all of you. Okay. आप जितना हो सके उतना बोलिए प्रैक्टिस करिए You have to practice a lot according to this structure. Okay. हमारा ब्लॉक नंबर वन यहां समाप्त होता है और ब्लॉक नंबर वन कल से पढ़ा जाएगा I will teach you tomorrow block number टू block number टू ब्लॉक नंबर वन इज फिनिश्ड या कंप्लीटेड ब्लॉक नंबर वन हैव कंप्लीटेड टुडे ओके बाय बाय हैव अ नाइस डे